पिछले 4 दशकों में बीयर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। इन गहरे जख्मों, विकृत चेहरों और बिलखते लोगों की दास्तान बड़ी करुणा भरी है। ये निर्दोष भोले भाले लोग किसी हादसे का शिकार नहीं, बल्कि इनका ये हाल बनाया है खतरनाक भालुओं ने। आपका पंजा मारा, मुंह से पकड़ा। तो ऐसे गिरा था मैंने, तो पंजा में दिए, फिर वो पूरा ऐसे रखोट रखोट के पूरा। इस बार का हमारा अभियान है इन्हीं भालुओं की तलाश में। हम निकले हैं छत्तीसगढ़ के मरवाही इलाके के लिए, जो रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये इलाका भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्या या माईकाल का हिस्सा है। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ जमीन वाला ये क्षेत्र भालुओं के लिए मशहूर है। वन विभाग ने इनके हमले से बचने के लिए जगह जगह नोटिस लगा रखे हैं। मरवाही का समस्त क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। लोगों की आवाजाही, आवागमन प्रतिबंधित नहीं है। गांव काफ़ी हैं और जंगल बहुत सीमित है। और लोग जो जंगलों में आज कमर्शियलाइजेशन के कारण जा रहे हैं, महुआ है, चार है, बेर है, घोंट है जो भालू खाता था, लगभग सारी चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। बड़ी मात्रा में इनका कलेक्शन होता है, लोग जंगलों में जाते हैं। नतीजा ये होता है कि भालू के पास जंगल में जो खाने को बचा था, वो भी आदमी के पेट की भेंट चढ़ गया। भूखे भालू मरते क्या नहीं करते, लाचारी में रुख करते हैं गांवों की ओर। मौसम के अनुसार ये फलदार पेड़ों और फसलों पर धावा बोलते हैं, जो कारण बनता है आदमी और भालुओं के टकराव का। अगर 3-4 आदमी हो तो नहीं, हाँ कुछ नहीं कर, हमला नहीं करते। मुंह में उसको लाठी डालोगे या आवाज करोगे या मारोगे तो जरूर वो करता है। ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं करते भाई। हमका उनका सबका जीवन बराबर प्यारा रहता है ना भाई। ये आदिवासी समुदाय का पिछड़ा इलाका है। कभी जंगलों पर निर्भर रहे ये लोग आज छोटे मोटे पट्टों की जमीन पर गुजर कर रहे हैं। बुद्धू का परिवार भी अपनी छोटी सी खेती के लिए बरसात पर निर्भर रहता है। बारिश अच्छी हुई तो फसल होगी। वो प्लाट है, प्लाट में गया था घूमने के लिए, तो ऐसे घूमते घूमते थोड़ा अंधेरा हो गया, ऐसे चले आ रहा था तो झाड़ के नीचे था, इकट्ठा वो जंप किए, गिरा दिए मुझे। यह काटा असली तो गिर गया ये नस को, ये तो गिरने के बाद दूसरा आया, तो यहाँ
मारा यहाँ यहाँ भी ऐसे नाखून दबाया, तो उसको मुँह मतलब मुँह में चाबेगा तो कान पकड़ कर से टांग दिया, तो पंजा में फेंक दिया वो पूरा रखोड़ दिया। 141 टाका लगा था यहाँ, 141 टाका। तो फिर लड़के लोग दौड़े तो ही फिर छुड़ाए होंगे, पर मैं जानते नहीं बाद में फिर खून निकल रहा कोई न जाए उठे न कल देख सके, इतना के मुंह भाई खून के थाल बन गए और ये आंखियों में नहीं देखा ही ना, ये आंखें कमजोर हो गया, कमजोर हो गई से आंखियों नहीं देखा, तो कहां करी काम बूता कुछ नहीं करेंगी। तो इसमें तो भालू जो है वही कसूरवार है, ऐसा बोले वही तो कसूरदार है, तो भालू कसूरवार है भाई, उसको मैं हमला भी नहीं किया हूँ, वो आप ही आप हमला किया है मुझे। तो आप जब इसको जंगल में देखते हो जामवंत को तो कुछ कुछ करते हो कुछ? भैया कहते हैं भगवान किनारे भैया दादा कुछ रास्ता दे हम भी चले। जामवंत, हाँ ठीक बात है। आप लोग इन गांवों में बुद्धू जैसे अनेक निर्दोष लोगों को भालुओं ने अपाहिज बनाकर बेबस छोड़ दिया है। यहाँ पकड़ लिया, ऐसे में इन लोगों की सहायता केवल इलाज तक ही सीमित न रहे बल्कि हमले की गंभीरता को ध्यान में रखकर मुआवजा तय किया जाए तो अच्छा है। रेंजर साहब पैसा दिया इलाज के लिए नहीं दे रहे सकते। इस इलाके में भालुओं के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इंसान और भालुओं के बीच बढ़ते टकराव के कारणों को ठीक से समझने के लिए हम पहुंचे हैं घुसरिया गांव, जिसके साथ सटी हैं वे पहाड़ियां जहां भालू रहते हैं। हमने यहां हॉट एयर बलून से उड़ने का फैसला किया और कैप्टन बिल से सलाह मशविरा किया। ये काम स्थानीय लोगों और वन विभाग के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। इसी हाइट में है सर, अगर उसको पार करेंगे उसको पार करके जाएंगे तो एक दो तीन। हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से हवा हमें इन पहाड़ियों के ऊपर उड़ाकर किसी सुरक्षित जगह की ओर ले जाएगी। शाम के 4 बज रहे हैं, हम अपनी तैयारियों में जुट गए। विलो और बैंत से बुनी इस 200 किलो वजनी बास्केट में 3 सिलेंडर रखे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की उड़ान भर सकेंगे। इसके ऊपरी सिरे पर 2 बर्नर हैं, ये जरूरत के मुताबिक हमारे 70 फुट लंबे बलून की हवा को गर्म करेंगे। हवा के तेज थपेड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कैप्टन बिल को उम्मीद है कि शाम होते होते हवा हमारे अनुकूल हो जाएगी, पर हमें फिक्र है कि और इंतजार करने से हम फोटोग्राफी की अच्छी लाइट खो बैठेंगे। हीलियम से भरा यह छोटा गुब्बारा भी हवा की घटती बढ़ती गति को दर्शा रहा है। भगवान ने जैसे हमारी सुन ली हो। 1 घंटे के बाद हवा का जोर कुछ कम हुआ। कैप्टन ने तेज गति वाले पंखे की मदद से बलून में ठंडी हवा भरनी शुरू की। लेकिन बाहरी हवा अभी भी गुब्बारे को फुलाने में परेशान कर रही है। बिल ने हमें बास्केट में जगह लेने को कहा, ऐसा ना हो कि कहीं बलून फूलने के बाद हम इसमें सवार ना हो सकें। कैप्टन बिल बर्नर खोलकर हवा को गर्म करने में जुट गए।
काफी जद्दोजहद के बाद बलून उड़ने की स्थिति में आ गया और सफर शुरू। ऊपर उठते ही भालू और इंसानी संघर्ष की समस्या कुछ कुछ समझ आने लगी। जंगल का सफाया कर गांव वालों के खेत भालू के घरों तक पहुंच गए हैं। कभी यहां घने जंगल थे जिनमें वन्य जीवों की खूब चहलकदमी थी, पर इंसानी जरूरत और लालच ने आज इन जंगलों का रूप ही बदल दिया है। पौराणिक विंध्या पर्वतमाला की इन छोटी बड़ी पहाड़ियों पर जगह जगह बड़े पत्थरों के ढेर हैं। ये ही भालुओं के प्राकृतिक आवास हैं। करीब 10 किलोमीटर रफ्तार वाली हवा हमारे अनुकूल है और हमें पहाड़ी के साथ साथ दक्षिण की तरफ ले जा रही है। दूर दूर तक फैले खेतों ने भालुओं की गतिविधियों को छोटी बड़ी पहाड़ियों तक सीमित कर रखा है। यहां के बहुत से आदिवासी भालू को रामायण के जामवंत के रूप में आदर और सद्भाव से देखते हैं और इन्हीं धार्मिक संबंधों के साथ ये सदियों से रहते आए हैं। हमें उड़ते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, सूर्यास्त होने को है और हमें जल्दी ही उतरने की ठीक जगह तलाश करनी है। दिन भर जंगल में चरने के बाद गांव के पशु भी अब अपने ठिकानों की ओर लौट चले हैं। आधुनिक विकास से दूर यहां के आदिवासियों का जीवन एक कुएं के मेंढक की तरह है। इन्हें देखिए, ये हमारे गुब्बारे से इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि अपना घर छोड़ जंगल की ओर भाग खड़े हुए। सपोर्ट टीम भी हमारे साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। कैप्टन ने आगे खुले मैदान में महुए के पेड़ों से बचते बचाते बलून को नीचे लाना शुरू किया। हमारी आज की उड़ान अच्छी रही। इस अजूबी चीज को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुड़ने लगा है। बिल ने समय के अभाव को देखते हुए बास्केट को पिकअप पर ही रख दिया।
महुए की शराब में धुत एक युवक गाली गलौच करता हुआ हमारी ओर लपका। मेरे सामने न जाने ये क्या करता। अच्छा हुआ हमारे साथ के वन कर्मियों ने इसे धर दबोचा। इन स्कूली बच्चों के लिए ये अनोखा दृश्य है। इन्होंने शायद किताबों में ही इसके बारे में पढ़ा हो। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बजरंग बली के नारों से इन्होंने हमारा स्वागत किया। जो डरती क्या बात थी इसमें? नहीं, पहले कभी नहीं देखा था ना, इसलिए डर गए। वो कहने डर लगे, आग निकल रही थी उसमें से क्या? हाँ, इसलिए तो डर आ गए, इनकी बम आ गए हमारे लिए। आदमी बैठा उसके अंदर, तो हम तो नहीं जाने इनके आदमी, हम तो जाने इनके ऊपर ले गिरा थे, भगवान ने गिरा थे, प्रगट हो गया हम कहीं जोगिया बाबा। क्या हो गया? हमने सोचा कि जोगिया बाबा लोगों से मिलकर हमें एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ आश्चर्य हुआ। इन सीधे सादे लोगों ने तो हमारे गुब्बारे को भगवान का अवतार ही समझ लिया था। साजो सामान को संभालते संभालते अंधेरा गहरा गया है और हमने भी अपने कैंप की तरफ रुख किया। आज हमें भालुओं के ठिकानों को दिखाने के लिए ले चले हैं घुसरिया के पूर्व सरपंच गणेश प्रसाद। यहाँ की इन्हें अच्छी जानकारी है। जंगल में घुसते ही चारों तरफ तबाही है। बेरहमी से कटे छोटे बड़े पेड़ जहां तहां पड़े हैं। सब काट, सबको काट लेते मवेशी के लिए। मवेशी के लिए पत्ता को काट दिए, पेड़ को मवेशी खा लिए, पत्ते को दाल को ले गए जलाने के लिए। हमें देखकर बेहद दुख हुआ कि इन बचे खुचे जंगलों में भी बड़े बड़े पेड़ जलावन के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। सब काटा हुआ पड़ा है सब। हाँ, उन लोग को हम लोग बोलते हैं कि अभी मत काटो, भालू खाएंगे, तो अब कटाई चालू कर देते हैं भाई, क्या करें अब। और मेरा कहना ही है कि भालू के लिए बकरी डुमर बहुत जरूरी रहता है भैया। अब अभी यहाँ काट देंगे तो खाएंगे क्या? सब तो बारी में जाएंगे, घर के अन पास तो बोलेंगे कि भालू घर में घुस रहा है। तो जो बच्चे जो रहेंगे आप आगे आगे वाले, उन लोगों के लिए समस्या आ जाएगा जंगलों में, लकड़ी पान के लिए, दतवन के लिए। भालू कहाँ दिखाई भी नहीं देगा, भालू भी इधर उधर भाग देंगे भाई। जंगल नहीं रहेगा तो पहाड़ में अकेले क्या करेंगे? हाँ, बस पहाड़ के रहेंगे एक दो साल, आखिर उसके बाद चले जाएंगे भाई। पहाड़ तब नंगे हो जाएंगे कुछ दिन में। अब भाई क्या करें, किसान आदमी है तो हम तो काटने ही पड़ेगा, तब न चाहे वो नंगा हो जंगल, चाहे ये और भरा हुआ है, वो तो भाई हमारा काम है। भालुओं की यहां बहुत दयनीय हालत है, आखिर प्रशासन कब तक मूक दर्शक बना रहेगा? यदि भालुओं पर हमने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो इसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है, क्योंकि लोगों के मन में एक सोच बन चुकी है कि भालू हमारा प्राकृतिक शत्रु है। भारत में मरवाही ही एक ऐसी जगह है जहां कभी कभार सफेद
यानी एल्बिनो भालू भी दिख जाते हैं। रंग में ये परिवर्तन प्रकृति का अजूबा ही कहा जा सकता है। हम और आगे बढ़ गए, हमें सतर्क रहना होगा। कहा जाता है कि जंगल में सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो वो है भालू, और बच्चों वाली रीछनी से तो भगवान ही बचाए। आखिर स्थानीय सहायकों की मदद से हम भालुओं की गुफाओं वाले टीले पर पहुंच गए। आसपास की इन चट्टानों में भालू रहते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर नरेश ने एक बड़ी चट्टान पर पोजीशन ले ली है। सामने की डोंगरी में भालुओं की कई गुफाएं हैं। हमारी निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। चुपचाप इंतजार करना होगा। उम्मीद है सूर्य के ढलते ही ये खाने की तलाश में बाहर निकलेंगे। राजेश पहाड़ी की ऊपर की ओर बढ़ गए। ये भी भालू की गुफा है, खतरा पूरा है। राजेश जानते हैं कि अभी भालू आराम कर रहे होंगे और बिना वजह हमला नहीं करेंगे। हमारे सतर्क सहायक को कुछ आवाज सुनाई दी, शायद भालू हो सकता है। क्या बात है, एक नहीं दो हैं, बेफिक्र मस्ती में खेल रहे हैं। हो सकता है बड़ा बच्चा पहले ब्याह का हो। आज का दिन अच्छा रहा, नरेश को भी कुछ सफलता मिली। एक बड़ा भालू निकला तो सही, पर दूसरी ओर खिसक गया। अरे वाह, और ये तो इधर ही चला आ रहा है। हमारा ये छोटा सा अभियान सफल रहा। सदियों से इन जंगलों में रहने वाले भालुओं के संरक्षण के लिए समय निकला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर क्यों ना इस पूरे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जाए। इससे एक ओर जहां इस बेबस जीव का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।